न्यूज में मैं हूँ आपके साथ सदफ फातिमा। तो शुरुआत करते हैं आज की तीन बड़ी खबरों के साथ। आज बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर कमजोर पड़ेगा तूफान, भारी बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहेगा। श्रीलंका को इस हफ्ते मिलेगा नया प्रधानमंत्री, श्रीलंका सेंट्रल बैंक गवर्नर ने कही पद छोड़ने की बात। आज दिल्ली से भिड़ेगी राजस्थान, 13 बार राजस्थान रॉयल्स और 12 बार दिल्ली कैपिटल्स के हाथ लगी है बाजी, डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मैच। तो अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। पिछले 5 दिनों से चल रहा साइक्लोन असानी अब कमजोर पड़ने लगा है। बुधवार की को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद गुरुवार को यह धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन आज शाम तक बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, इसके बाद यह शांत पड़ सकता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के दौरान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में हल्की और भारी बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर इन राज्यों की सीमाओं से लगे दूसरे राज्यों पर भी रहेगा। बंगाल और उड़ीसा से सटे झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इन इलाकों में बुधवार को भी बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को साइक्लोन असानी मछलीपट्टनम से करीब 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, नरसापुर से 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से 120 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में स्थित था। बारिश को लेकर राज्य अभी भी अलर्ट मोड पर है। आर्थिक संकट के साथ उग्र हिंसक आंदोलन का सामना कर रहे श्रीलंका में शांति कायम करने के लिए सरकार ने सेना को उतार दिया। अब सैनिक टैंकों पर सवार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ऐलान कर दिया है कि वह एक हफ्ते में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। राष्ट्रपति गोटबाया ने कहा कि अगले एक हफ्ते में ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करूंगा जिसके पास बहुमत हो और लोग जिसमें भरोसा करते हैं। मैं मंत्रियों की नई कैबिनेट भी नियुक्त करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नफरत फैलाने से बचने की अपील की। डीसी ने भी 11 मैच खेले हैं लेकिन सिर्फ 5 मुकाबलों में जीत हासिल कर सकी है। उसका नेट रन रेट +0.150 है। दोनों ही टीमों के कप्तान संजू और ऋषभ को T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने का हर संभव प्रयास करते दिखेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन के दौरान जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन किया है, उसका परिणाम भी उन्हें मिला है। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा विरोधी टीमों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल अपनी स्पिन से टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बने हुए हैं। जोस बटलर का बल्ला लगभग हर मुकाबले में रन बरसा रहा है। कप्तान संजू सैमसन के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव नजर आया है। वह आने वाले मुकाबलों में टीम के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सैमसन अगर दिल्ली के खिलाफ बड़ी पारी खेल जाते हैं तो इससे उन्हें बल्लेबाजी में काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मधु जुड़ रही है। तो क्या खबर है आपके पास मधु? दिल्ली कैपिटल्स की टीम कोरोना से लगातार परेशान चल रही है। खिलाड़ियों के अलावा स्पोर्ट स्टाफ भी इससे जूझ रहे हैं। कोरोना की इस नाजुक स्थिति में खेल पर ध्यान बनाए रखना टीम के लिए मुश्किल होने वाला है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में अभी 3 मैच और बचे हुए हैं। अगर वह इन तीनों मैच में जीत हासिल कर लेती है तो टीम प्लेऑफ का सफर तय कर सकती है। कप्तान ऋषभ पंत की काबिलियत से तो हर कोई वाकिफ है ही, लेकिन प्रदर्शन में वह काबिलियत नजर नहीं आया। टीम के लिए अच्छा रहेगा कि ऋषभ आज थोड़ा समय लेकर अपनी पारी बिल्ड करे और आखिरी में जमकर प्रदर्शन करे। चेन्नई के खिलाफ मिली करारी हार के बाद अब दिल्ली को हर हाल में वापसी करनी ही होगी। कैमरामैन तमन्ना के साथ मैं मधु, वर्ल्ड नाउ न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ वर्ल्ड नाउ न्यूज में देश और दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वर्ल्ड नाउ न्यूज के पोर्टल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चेक करना ना भूलें।